ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। और आज हम नेक का विलोम शब्द के बारे में बड़े ही विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि नेक का विलोम शब्द पूरी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेक का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों, नेक का विलोम शब्द बद होता है। नेक का मतलब क्या होता है आइए जान लेते हैं। नेक का मतलब होता है अच्छा। अक्सर लोग कहते हैं कि यह खुदा का नेक बंदा है, मतलब यह ईश्वर का बंदा है, लेकिन असल में नेक इंसान का मिलना उतना कठिन है जितना कि कचरे में सुई की तलाश करना। आप नेक इंसानों को उंगलियों पर गिन सकते हो। बहुत ही कम लोग अब नेक बचे। ऐसा नहीं है कि नेक इंसान आसमान से टपकते हैं, नेक इंसानों को यहीं पर बनाया जाता है। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली एक चीज सिखाती है कि पैसे कैसे कमाएं। बद का मतलब क्या होता है आइए जान लेते हैं। बद का मतलब होता है बुरा, नेक का मतलब होता है अच्छा, और नेक का उल्टा बुरा होता है। बुरे इंसानों की इस कलयुग में कमी नहीं है। आजकल आपको सब कुछ बुरा ही बुरा दिखेगा। अधिकतर लोग बुरे लोगों से घृणा करने लगेंगे, लेकिन अपने अंदर जो बुराई मौजूद है उसे निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह से नेक का विलोम शब्द बद होता है, जो कि हमने जान लिया है। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना न भूलें। इसके साथ ही ऐसे ही विलोम शब्द जानने के लिए चैनल के लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।